हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंपन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की पॉलिटिकल साइंस की अप टू डेट। काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा है सर कि पॉलिटिकल साइंस की लेटेस्ट बुक का रिव्यू करिए, तो लेटेस्ट बुक लॉन्च हो चुकी है 43 सेट्स के साथ। इसमें 2006 से लेकर अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स के पॉलिटिकल साइंस के आपको शॉर्ट पेपर्स मिलने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान या किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एजीआईसी, जीजीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट की, तो उसके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ इसमें नेट जेआरएफ का 43 सेट का सॉल्व पेपर मिल जाएगा 2006 से लेकर 2020 तक के सारे सेट का, चाहे वो दिसंबर का हो चाहे वो जून का हो, सारे सेट का हम सॉल्व पेपर्स लेकर आए हैं। इसके अलावा अन्य बुक्स भी हमारे पास जल्दी रिव्यू करने वाले हैं। हिंदी का हम रिव्यू कर चुके हैं, आज हम पॉलिटिकल साइंस का रिव्यू कर रहे हैं। इसके बाद इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, गृह विज्ञान, वाणिज्य, योग, मनोविज्ञान और आपका फिजिकल एजुकेशन, इन सभी बुकों का हम रिव्यू करने वाले हैं। इसके अलावा हमने एनटीए के फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन दे चुका है जिसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दो पार्ट आते हैं, वो सारे बुक का हम रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक की जो प्रिंट प्राइस है 425 रुपये रहने वाली है, और नंबर ऑफ बुक्स की बात, नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 456 पेजेस की बुक रहने वाली है। अगर आप सहायक अध्यापक की वैकेंसी देख रहे हैं तो उसके लिए भी सॉल्व पेपर्स एंड प्रैक्टिस बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हिंदी के 26 है, संस्कृत 25 है, प्राचीन इतिहास 23 है, राजनीति विज्ञान 21 है, इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास 26 है, भूगोल 26 है, अर्थशास्त्र 26, इंग्लिश 26 है, गृह विज्ञान 26 है, समाजशास्त्र 26 है, शिक्षाशास्त्र 26, मनोविज्ञान 26 पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो वे पेपर्स भी आपको, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सॉल्ट पेपर प्रैक्टिस बुक आ चुकी है, वो आप देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की सारी बुक्स अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें आपको लेटेस्ट वर्जन में राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थात भूगोल मिलने वाले हैं परीक्षा ज्ञान कोर्स में। इसके अलावा सॉल्ट पेपर में प्रैक्टिस बुक अवेलेबल हो चुके हैं सब्जेक्ट वाइज, और आपका चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर भी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेपर्स कौन कौन से रहने वाले हैं इसमें देखें, जून 2006, दिसंबर 2006, और इसके अलावा 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 बारह के आपको द्वितीय और थर्ड तीनों पेपर मिलने वाले हैं। 2012 के चार पेपर हैं, 2013 के चार हैं, 2013 के यहाँ पे मिलने वाले हैं छः पेपर हैं टोटल, 2014 के चार पेपर हैं, 2015 के चार पेपर हैं, 2016 फिर दो पेपर, 2017 के चार पेपर हैं, 2018 के दो पेपर हैं, 2019 के दो पेपर हैं, 2020 का आपको यहाँ पे तीन पेपर मिलने वाला है, सेट वन सेट टू, लास्ट ईयर जो हुआ था जून वाला, तो आपका सेट वन सेट टू दो पेपर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं पेपर्स कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको बता दिया। जो आपका सिलेबस है 10 इकाई में होता है, फर्स्ट इकाई आपकी राजनीतिक सिद्धांत, सेकंड इकाई राजनीतिक विचारक, थर्ड इकाई भारतीय राजनीतिक विचारक, फोर्थ में आपका तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है, फिफ्थ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारत की विदेश नीति काफ़ी चर्चा में है इस समय, उसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और भारत में राजनीतिक संस्थाएं इकाई 7, इकाई 8 में आपके भारत में राजनयिक प्रतिक्रियाएँ, उसके बाद लोक प्रशासन, भारत में शासन विधि और लोक नीति। तो ये 10 इकाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सोल्यूशन दिया गया है टॉपिक वाइज दिया गया है, टॉपिक में बता दे रहा हूँ, जिसमें आप जानते हैं 50 क्वेश्चन होंगे, सभी दो नंबर के होने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका राजनीतिक सिद्धांत और विचार से है, इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के इस टॉपिक से रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 22 तक का आपका तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण होने वाला है, फिर आपके भारतीय शासन एवं राजनीति से क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक रहने वाले हैं, इसके बाद लोक प्रशासन आता है, लोक प्रशासन से क्वेश्चन 33 से लेकर आपके 42 तक रहने वाले हैं, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो 8 क्वेश्चन आपके इससे रहने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, हर क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन के साथ मिलने वाला है, तो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपका दिसंबर 2006 के यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, इसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज डिटेल के साथ आपको बता दिया गया, जो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए वो आपको मिलने वाला है। तो लास्ट ईयर 2020 का जो पेपर है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, टॉपिक सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज ही रहने वाले हैं, सब टॉपिक वाइज ही रहेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे बायलैंग्वल भी मिल रहे हैं, जो लास्ट ईयर जो अपडेटेड होने वाले हैं उन सभी का बायलैंग्वल किया गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, साथ ही साथ डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, हर क्वेश्चन के डिटेल के साथ सोल्यूशन दी जा रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में किन में लोकसभा का में समान प्रतिनिधि है,
किस में रहने वाला है, तो आंध्र प्रदेश गोवा त्रिपुरा में रहने वाला है। यहाँ पे सभी जगह दो दो लोकसभा सीट रहने वाली है, तो किस राज्य में कितनी लोकसभा सीट है इसके लिए डिटेल्स के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी दे दिया गया है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से दिखाई गई हैं, वो आप चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। तो ये 2020 का यहाँ पर रहने वाला है, दिसंबर 2020 जून 2021 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद ये हमारे असिस्टेंट टीचर के जो प्रोफेसर के वो रहने वाला है। इसके अलावा ये अन्य बुक्स जो हमारे सब्जेक्ट रहने वाली है, तो हम हिंदी का रिव्यू कर चुके हैं, आज हम राजनीति विज्ञान का रिव्यू कर दिए हैं, जल्दी हम और सब्जेक्ट का रिव्यू करने वाले हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट की अधिक डिमांड है, और हम जल्दी न्यू बुक लेकर आने वाले हैं रिव्यू, उसमें आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई और बुक की डिमांड है तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइज़।